ग्वालियर की, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सिंचाई मंत्री तुलसीराम सिलावट को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि आज ग्वालियर में IITM से रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक उद्घाटन होने वाला है। तकरीबन 7.5 किलोमीटर की लंबाई की एलिवेटेड सड़क के भाग दो का शिलान्यास होने जा रहा है। 7.5 किलोमीटर की एलिवेटेड सड़क में 29 रैंप होंगे, जिनकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर होगी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण और भव्य दिवस ग्वालियर के लिए है। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, नितिन गडकरी साहब को और हमारे सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। जहाँ एक तरफ जो मेरा सपना था जो आज साकार हो रहा है, एलिवेटेड रोड भाग एक IITM से रानी झांसी के धाम तक, और वहाँ से आज हमारे पुलिस चौकी तक 7.5 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड की भाग दो का शिलान्यास होने जा रहा है 926 करोड़ रुपए का, और उसमें 10 एंट्री रैंप होंगे, 9 एग्जिट रैंप होंगे। 7.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड होगा और रैंप्स की लंबाई कुल मिला के 19 रैंप्स की 5 किलोमीटर की लंबाई होगी। उसी के साथ चंबल से पानी लाने का मेरा एक संकल्प था ग्वालियर के लिए।